हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद है सभी की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो इसी श्रृंखला में मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो भी फटाफट अंदाज में। तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन बिना देर किए हुए। आप भी तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेंसिल लेकर और कीजिए दबाकर शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो करते हैं हम, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं तो आपको रियल क्वेश्चन है, अच्छे से मेहनत करनी है। 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 50 से 65 के बीच सभी प्राइम नंबर का योग बताना है, सम बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो अभाज्य संख्या की मैंने एक टेबल बनवाई थी, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, कंटेंट में भी मैंने बनाई है। तो आपके पास अगर वीडियो एक बार टेबल होगी तो आप आसानी से लिख सकते हो। बाकी हम देखेंगे 50 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है। 51 तो नहीं आती, किससे कटती है? 17 से, 51 17 से कटती है, तो कौन सी आती है? 53। इसके बाद आगे कौन सी आती है? 59 और फिर 61। यही तीन अभाज्य संख्या आती है, तीनों का योग कर लेंगे। 10 और 3 13, 5 5 10 6 16 और 1 17। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 40, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के मान? तो एक फॉर्मूला बताया था, एन एन प्लस 1 बटे 2, इसी से कर लेंगे इसको, है ना। इसी से हम सीखेंगे जब सम संख्या दे रखी हो तो कैसे करना है। ये था लगातार संख्याओं के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 और जहाँ तक भी है एन तक, वहाँ तक की संख्याओं के लिए। अभी हमारे पास है 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 40। तो यदि इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ 2 3 और यहाँ पर कितना? 20, यही चीज़ें बचेंगी। अब 2 तो कॉमन है, अब यहाँ पर लग जाएगा हमारा फॉर्मूला प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग का, इसको एन मान लेंगे तो कितना होगा? एन एन प्लस 1 बाई 2, तो 20 20 और 1 21 बटे 2, इस 2 से 2 कट गया, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो 21 दूनी 42, ये फोर्थ आंसर हो गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और ऐसे आते भी हैं क्वेश्चन, तो आपको ये तैयार करने हैं, फटाफट करने हैं, जिससे आपको ये हार्ड ना लगे, कठिन ना लगे। और जो कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं उनके लिए आपके पास पर्याप्त समय हो। आगे देखते हैं, 3 बटे 4, 2 बटे 3, 4 बटे 7, 5 बटे 3 में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये हमको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे लग जाते हैं एलसीएम लेने, एलसीएम निकालने, तो वो सब नहीं करना है। कैसे करना है समझते हैं अभी। जैसे मैंने पहले ये 2 लिए क्वेश्चन, है ना, सबसे छोटी निकालनी है ना, तो छोटी ढूंढते हैं हम। 4 दूनी 8, 3 3 9, तो कौन सी छोटी हो गई? ये छोटी हो गई अभी तक, है ना, क्योंकि 8 छोटा है। अब इसको अगले से कंपेरिजन कर लेंगे, 4 3 12 और 7 2 14, अब कौन सी छोटी हो गई? अब ये छोटी हो गई, ठीक है। इसको अगले से कंपेरिजन कर लेंगे, 7 5 35 और 7 3 4 12, फिर से 12, तो यही छोटी आई, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? ये, तो 4 बटे 7 सबसे छोटी हो गई। ये आसान तरीका है और बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इन तरीकों में निखार आएगा, है ना। तो हम, मैं जो तरीके सिखा रहा हूँ वो सभी ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के साथ और ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं और ज़्यादा बढ़िया होते चले जाते हैं। तो इसी चीज़, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करोगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बटे 3, 4 बटे 7 तथा 12 बटे 35 का लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम बताना है। तो जब भी भिन्नों का एलसीएम आता है तो क्या आता है? जब भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का तो एलसीएम निकालते हैं, है ना, अंश जो ऊपर लिखे हैं इन सभी का एलसीएम, और बटे 3 7 और 35 हर का क्या निकालते हैं? एचसीएल। तो निकालते हैं फटाफट, 2 4 12 का एलसीएम क्या आता है? 12, और 3 7 35 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, तो 12 बटे 1 यानी 12 आंसर हो गए। तो ये चीज़ क्लियर है, हमको याद होना चाहिए जब भी आपका फ्रैक्शन आए या भिन्न आए,
भिन्न का एलसीएम कैसे आएगा? जो ऊपर लिखे होते हैं अंश, इन अंशों का क्या निकालते हैं? एलसीएम। और हरों का एचसीएफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको याद रखना है कि जब हम भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे, भिन्नों का एचसीएफ, फ्रैक्शंस का एचसीएफ, तो जो निकाल रहे हैं वो अंशों के साथ, अंशों का एचसीएफ जो निकाल रहे हैं वो अंशों का, और उससे दूसरा हरों का। हर यानी जो डिनोमिनेटर है, हरों का एलसीएम। न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ये चीज़ें आप बड़ी आसान है, ये फॉर्मूले आप याद रखोगे फिर अगली बार से फटाफट कर पाओगे। बस आगे बढ़ते हैं। 3 × 7 + 5 × 2 / 4 / 5, ये डिवाइड है ना? देखो प्लस जो होता है थोड़ा लेंथी होता है, ये आग सर्किल सा दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? डिवाइड है। क्या है बच्चों? ये डिवाइड है ना? ये डिवाइड है, यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर लोगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं? पहले अंश को सॉल्व करेंगे हर को, और फिर करेंगे अंश में पहले क्या गुणा। 7 × 21 और 5 × 2 = 10, 10 और 21 = 31। कहाँ 31? ये रहा। क्यों? क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं किसी से। नीचे क्या है? पहले भाग, 4 में 8 में 4 का भाग दिया तो 2 + 3 × 2 = 6, 6 और 2 = 8। तो पहला ऑप्शन हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है? 100 है, 100 का 80% 80 होगा, इसमें से 30% निकाल दो, तो 80 का 30%। अच्छा, 80 का 10% क्या होता है? 80 का 10% होगा 8, तो 30% क्या होगा बच्चों? 80 का 10% 8 होगा, तो 30% 8 = 24, तो 24 कम कर दें इसमें से, कितना बचा? 56। यही आंसर हो गया, है ना? तो इस तरह से करोगे, बजाय कि पहले हम 30, यानी दूसरे तरीके भी आसान हैं, लेकिन ये तरीके हैं जो आप और भी कर सकते हो बिना लिखे, और प्रैक्टिस करोगे तो ये और फास्ट होते चले जाएंगे। अभी देखेंगे, 15,000 रुपये को पी क्यू आर एस के बीच विभाजित करना है। पी का हिस्सा तथा क्यू का हिस्सा 2:1 अनुपात में है, क्यू और आर का हिस्सा 4:3 में है, तो क्यू को कितनी राशि मिली? जब भी एक से अधिक अनुपात होते हैं तो उसको मर्ज कर लेते हैं। पी क्यू आर कैसे मर्ज करते हैं? जैसे पहले हमने पी लिखा 2, क्यू लिखा 1, और क्यू और आर ये लिखे 4:3। साइड से वैल्यू उठाते हैं, ये जो 1 वैल्यू है ये इधर बढ़ाएंगे, ये जो 4 वैल्यू है ये इधर बढ़ाएंगे। अब देख लेते हैं, 4 × 2 = 8, ये 4 और ये 3, यही हो गया हमारा अनुपात किसका? पी क्यू आर का। तो कितने हिस्से हो गए? 8 × 4 = 12 × 3 = 15, 15 पॉइंट हो गए, 15 हिस्से हो गए, और कितना हो गया? 15,000। तो 1 पॉइंट बराबर 1,000। किसका हिस्सा पूछा है जी? क्यों? क्यों का कितना है? 4 पॉइंट। तो क्यों का हिस्सा है हमारा 4 पॉइंट, यानी कि 4,000। खैर, आसान क्वेश्चन है ये भी। फिर से आपको मर्ज करना आना चाहिए, 2 अनुपात जब भी हो मर्ज करने। कैसे करते हैं? पहले 2 को लिखो और दूसरे 2 को लिखो, इधर से साइड से वैल्यू लेकर ये बढ़ाना है, इधर से साइड से वैल्यू लेकर ये बढ़ानी है, और फिर क्या कर देनी है? सीधी गुणा, 4 × 8, 4 = 4 और 1 = 3। आगे देखते हैं, 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि एक लड़का छोड़कर चला जाता है तो औसत आयु 14.5 हो जाती है। समूह छोड़कर जाने वाले लड़के की आयु ज्ञात करें। अच्छा, योग से भी कर सकते हैं आप और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 15 औसत था, एक व्यक्ति गया, तो औसत क्या हो गई? सबकी घट गई। कितनों की? एक तो गया, बाकी की घट गई 0.5, 0.5। कितनों की घट गई? अब बचे कितने? जब एक चला गया तो 19 बचे, तो 19 में 0.5 की गुणा होगी, तो होगा हमारा ये 9.5। 9.5 सबकी घट गई, यानी वो 9.5 फालतू ले गया। किससे? 15 से। तभी तो सभी की घटी है भाई, जब ज़्यादा वाला जाएगा तब घटती है। तो आ गया हमारा 24.5, और यही हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, कैसे किया फिर से समझ लीजिए। 15 था, 14.5 हो गया, यानी 5 घट गई। 5 घट गई, कितनों की घट गई? जो चला गया उसकी तो नहीं घटेगी, वो तो गया।
बचे कितने 19, 19 की घट गई आधा आधा, यानी कि टोटल 9.5 वर्ष घट गए। अब जितने भी घटे हैं उतने ही वो जाने वाला क्या है, फालतू ले गए तभी तो घटे हैं, वो एक्स्ट्रा चले गए यानी उसकी जुड़ जाएगी वैल्यू, उसके पास एक्स्ट्रा है ये 15। योग से देख लेते हैं, योग से भी आप कर सकते हो, योग से भी आसान है। योग पहला कितना है, 20 गुणा 15, ठीक है, 20 व्यक्तियों का योग है 20 का। और दूसरा योग कितना है, दूसरा योग है हमारा, अब 19 रह गए, 19 गुणा 14.5, आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 300 तो ये हो गया। अब 19 में इसकी गुणा करेंगे आप, 14.5 में 19 की गुणा करें, करते हैं बच्चों, 19 5 95 9, 19 2 38 19 57, 19 4 76, 76 और 9 85 88 लगे, 19 1 19 और 8 19 और 8 19 और 8 हो गए हमारे 27। कुछ गलती करी है हमने, अच्छा ये 5 आएगा, ठीक है, सही से काउंट करते हैं, ये हो गया हमारा 275.5, ये आएगा। तो फटाफट देखते हैं हम इसको, 300 में से 275.5 घटा लेंगे तो ये हमारा आएगा 24.5, यही आंसर हो गया। ये आंसर हमने डायरेक्ट भी सीखा था कैसे निकाला है, तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये चीज़ें बेहद आसान है, हमको सोचना क्या होता है कि हमारा कितना कम हो गया, जितनों पर कम हुआ है, अब वो कम हुआ है तो यानी जो गया है उसके पास एक्स्ट्रा था तभी तो कम हुआ, वो फालतू ले गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।